आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद का बेतुका बयान, वोट देते हो मोदी को और खोजते हो तेजस्वी को। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने आज बेतुका बयान दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के गायब होने के संबंध में कहा कि जनता ने जिसे वोट दिया उसे क्यों नहीं खोज रही, आज दूसरे नेता को क्यों खोजा जा रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि विपक्ष के नेता की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त रघुवंश प्रसाद ने कहा कि मुजफ्फरपुर में इतने बच्चों की मौत हो गई और नरेंद्र मोदी नहीं आए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद के इस बयान की आलोचना खुद उन्हीं की पार्टी के नेता भाई वीरेंद्र ने की है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। जनता को जीतने वाले और हारने वाले दोनों को खोजने का समान अधिकार है। जनता के हर दुख में सरकार और विपक्ष दोनों को शामिल होना चाहिए। इससे पहले रघुवंश प्रसाद ने यहाँ तक कह दिया था कि विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है हल्ला उठाने की, तो हम लोग हल्ला उठा रहे हैं। लोगों ने वोट मोदी को दिया है और ढूंढ रहे हैं विपक्ष के नेता को, ये गलत है। आपको बता दें कि 28 जून से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए और विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उपस्थित नहीं हुए, जिससे सत्ताधारी नेता विपक्ष पर हमलावर हैं। कहा जा रहा था कि तेजस्वी सत्र शुरू होने के पहले दिन ही राजनीतिक जीवन में पुनः लौट आएंगे। हालांकि उन्होंने अब ट्वीट के जरिए अपनी राजनीतिक सक्रियता की बात कही है। गौरतलब है कि विधानसभा सत्र को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज तेजस्वी यादव ने राजनीति में वापस आने के संकेत दे दिए हैं। नेशन भारत के न्यूज रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।